गाइस व्हाट इज अप गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। जी गाइस 15 अगस्त है सो हम लोग आज राइड करने वाले हैं टुवर्ड्स बिंदु भैया झालोंग। वो अभी निकलते हैं घर से एंड अपना जो भी आज नहीं जाएगा उसको भी मैं घर पे रख के जाऊंगा, भैया के साथ जाऊंगा, विप्लव भैया के साथ। तो हम दो बंदा तो कंफर्म है, बाकी कौन कौन जाने वाला है मेरे को कुछ मालूम नहीं है। एंड गाइस सुबह सुबह देख पा रहे हो यार कितना ज्यादा धूप हो चुका है एंड टाइम जाते जाते क्या होगा पता नहीं, बहुत ज्यादा करवा धूप हो चुका है यार। इतना सुबह सुबह 8:30 बज रहा है अभी। तो चलिए फिर निकलते हैं एंड राइड का सफर को चालू करते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड ऑन मोराघाट एंड घर से आते हुए मैं मोटर ब्लॉग नहीं किया क्योंकि भैया चला रहा था। आज हमारे साथ जा रहा है डोमिनर 400। फर्स्ट ब्लॉग में शायद देखा था ये भाई का, विपन भाई का भैया गया था उस दिन एंड ये भाई आज जा रहा है एंड अपना विप्लव भैया जा रहा है। हे ब्रो, सो आज का हमारा बस 3 ही जन हुआ, लोगों का बहुत ज्यादा काम आ गया था इसी वजह से वो लोग नहीं जा पा रहा है। बहुत कोई भाई तो घर पे था लेकिन गाड़ी नहीं है, क्या करे भाई। तो इधर से मोटर ब्लॉग चालू करते हैं एंड बहुत सारा भाई लोग देख पा रहे हो जा रहा है, पूरा आज राइड चल रहा है सबका एंड अभी फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से मोटर ब्लॉग आप लोगों को दिखाते हैं अपना 75th इंडिपेंडेंस डे एंड सेलिब्रेट तो 76 हो रहा है। सो चलिए फिर मोटर ब्लॉग सेटअप करते हैं। So guys, finally our ride begins. हम लोग बस 3 बंदा जा रहे हैं, विपन भाई मैं और विप्लव भैया। For some reason आज बहुत सारा भाई लोग नहीं जा पा रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि पिछले साल हम लोग बहुत बड़े ग्रुप राइड किए थे, तब तो मैं वीडियो नहीं बनाता था लेकिन बहुत अच्छा लगा था राइड करके। So finally we reached on Dina River. भाई साहब राइडर्स, oh my god, मस्त राइड चल रहा है उनका ग्रुप राइड। We have reached on Sulkapara टोल प्लाजा, मस्त सजा के रखा है टोल को। राइडर्स राइडर्स KTM राइडर्स। इसी के साथ हम लोग इंटर कर चुके हैं चपरामारी फॉरेस्ट में, तो मस्त ठंडा वाला फील आता है यार, कितना भी धूप रहो इसके बीच से जब जाओगे ना तब ठंडा लगना ही है। एंड गाइस आज ये ग्रुप राइडर लोगों को देख के यार इतना बुरा लग रहा है, काश हम लोगों का भी आज पूरा ग्रुप आता राइड करने के लिए, बार बार बस याद ही आ रहा है भाई लोगों का। इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं खुनिया मोड़ से, हम लोग को लेना पड़ेगा राइट, तो इधर से आप लोग जा पाओगे झालोंग बिंदु जल्दा का। तो पहले झालोंग करने वाले हैं, बाद हम लोग जाएंगे बिंदु। एंड गाइस आज जितना भी राइडर लोग हम लोग देखे सब हाईवे पे था, वाला रूट से हम लोगों को उतना ज्यादा बंदा नहीं मिल रहा है। सो गाइस फाइनली इतना दूर आने के बाद हमें मिल रहा है रास्ते में कुछ कुछ बंदे, चुके हैं हम लोग खुमानी चेक पॉइंट। फाइनली तो भाई लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमको बंदे मिलते जा रहे हैं। अगर आप लोग आते हो ऐसा हिल साइड में तो दोनों बंदा प्लीज हेलमेट लगा के आइएगा, राइडर और पिलियन। पुलिस को पता था इनके पास सब कुछ है, इसी की वजह से बोला जाओ जाओ चले जाओ बोल के। देख लो तो गाइस चेक पॉइंट के बाद रोड तो हम लोगों को बहुत अच्छा मिल गया लेकिन चेक पॉइंट के पहले तक आप लोगों को इतना बाहियात रोड मिलने वाला है, सब गड्ढा हो चुका है, बहुत जगह पे डाइवर्शन बना दिया गया है क्योंकि ब्रिज बनाया जा रहा है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं कुछ इस तरीके का जगह पे, देखिए भाई हिल्स, ओ मी गो, अरे भाई साहब आगे क्या मस्त नजारा लग रहा है यार। अरे अगर आप लोग दलगांव व्यू पॉइंट जाना चाहते हो तो ये वाला रूट चूज कीजिए एंड हम लोग आज इधर से जाने वाले हैं। भाई ओ भाई, तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके कुछ इस तरीके का जगह पे एंड ये जगह का नाम है गिरिबास व्यू पॉइंट। यहाँ से मस्त नीचे का व्यू दिख रहा है, सामने जलदा का रिवर दिख रहा है एंड ऊपर देखिए भाई हेवन। अभी भी भाई लोगों को मिस कर रहा हूँ बहुत क्योंकि ग्रुप राइड करने से यार इतना मज़ा आता कि कितना ऊंचा ऊंचा हिल्स दिख रहा है। तो आज हम लोग टॉप पे ही जाने वाले हैं हिल्स का, पता नहीं किधर है, फॉर मी इट्स द फर्स्ट टाइम। अभी आए थे झालोंग पे लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, यही है झालोंग का पिकनिक स्पॉट, इसका नीचे है थोड़ा सा, ये वाला रास्ते से जाना पड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ का कॉलेज का एक्सकर्शन वाला वीडियो तो आप लोगों ने शायद देख ही लिया था, तो यही है झालोंग का। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बिंदु के लिए। ओ भाई पानी कितना साफ लग रहा है यार, झरने के पानी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ इस तरीके का जगह पे एंड यहाँ से व्यू देखिए एक बार,
भाई क्या मस्त लग रहा है यार व्यू। ऊपर पूरा क्लाउड्स, उधर शायद बारिश हो रहा है एंड इधर भी थोड़ा सा बूंदा बूंदी हो रहा है। गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लिया एंड भाई लोग भी है, थोड़ा सा फोटो शोटो खींचेंगे उसके बाद इधर से भी निकल जाएंगे। एंड इधर एक दुकान है, अगर खाना पीना है तो इधर से खा सकते हो आप लोग। एंड व्यू देखिए भाई पीछे क्या मस्त व्यू लग रहा है यार, खतरनाक व्यू। ये जगह पे धूप गिर रहा है भाई, देखो ऊपर से इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा है ना भाई, क्या ही बताएं आप लोगों को। एंड नीचे ये जलढका रिवर बह रहा है। तो अब हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं वो जगह का नाम है बिंदु। सो वो जगह पे एक डैम है, बहुत बड़ा डैम, द लास्ट विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड इंडिया ये भी बोला जाता है बिंदु। साइड पे बारिश है लेकिन इधर कोई बारिश नहीं है। तो भाई लोग अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं एंड धीरे धीरे से बारिश सामने आते जा रहा है एंड यहाँ पे स्कूल का प्रोग्राम भी चल रहा है, एसटी जोसेफ स्कूल एंड बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है यार यहाँ पे। ब्लाइंड पॉइंट भाई, सीधा जाने से पूरा जन्नत, आप लोग स्वर्ग में चले जाओगे। okay. ये देख रहे हो भाई। So guys, finally we have reached on our destination, the Bindu, the last village of West Bengal and India. So हम लोगों ने बाइक पार्क कर लिया कुछ इस तरीके का जगह। So guys, पहले हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, बहुत भूख भी लग रहा है। तो पहले खा लेते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का व्यू। हम लोग आए हैं कुछ इस तरीके का होटल पे यहाँ पे खाने के लिए एंड हम लोगों के पास आ चुका है थुप्पा। तो भाई ऐसा होता है, देखिए ऊपर से पानी आता है लेकिन अभी पानी फिलहाल कम है, इसी की वजह से ऊपर से नहीं आ रहे। तो गाइस फिर पहले खा लेते हैं हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है एंड उसके बाद यहाँ का सीन आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं एंड इधर का वेदर आप लोगों को क्या ही बताए, दो मिनट में चेंज होता है। अभी अभी बारिश हो रहा था बहुत ज़्यादा एंड अभी पूरा बारिश रुक चुका है, फिर से धूप थोड़ा थोड़ा उठने लगा है। हम लोग अभी जा रहे हैं क्योंकि खाने के वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, जैसा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड ये गॉगल्स कैसा लग रहा है भाई, प्लीज़ कॉमेंट करके बता दीजिएगा। तो मृणाल भाई लोगों से भी मुलाकात हो चुका था, ये भाई लोग भी आ चुका था, मेरे को पता नहीं था ये लोग आने वाला है लेकिन आ चुका था तो मुलाकात हो चुका है हम लोगों का। तो देखिए यार सीन, आगे वाला सीन देखिए आप। एंड जैसे कि थोड़ा बारिश हुआ उसी की वजह से पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है एंड पानी का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। एंड भैया का मोबाइल पे जो दिखाया सितंबर का महीना पे ऊपर से पानी आता है लेकिन ये वाला महीना पे देख पा रहे हो यार नीचे से पानी आ रहा है, उतना ज़्यादा पानी स्टॉक नहीं हुआ अभी तक, दैट्स व्हाई नीचे से पानी आ रहा है। एंड अभी नीचे से जाके हम आप लोगों को दिखाएंगे एंड कितना ज़्यादा क्राउड हो चुका है देख पा रहे हो आप लोग। फाइनली हम अभी जा रहे हैं उस साइड एंड पानी बहुत ज़्यादा है यार, क्या करें, पत्थर से जाना पड़ रहा है देख पा रहे हो आप लोग। ओ भाई साहब, पानी इस साइड से कितना स्पीड से आ रहा है भाई देख पा रहे हो आप लोग। ये जगह पे देखिए पानी पत्थर का ऊपर से जा रहा है एंड भाई यहाँ पे लेटा हुआ है, फोटो शूट कर रहा है आई थिंक। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना, छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आ रहा सदास आ रही बारा, करना इंकार बार बार देना साथ। गाइस अभी फाइनली हम लोग आगे चले जाने वाले हैं एंड यहाँ का छोटा सा सिनेमेटिक्स कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। पानी से जाना पड़ रहा है हम लोगों को एंड पूरा पत्थर है, बड़ा बड़ा पत्थर, दैट्स व्हाई ऐसा ऊपर नीचे करके जाना पड़ रहा है हम लोगों को। ओ। ओ।
यहाँ पे भी बहुत कोई है, देख पा रहे हो आप लोग, चारों ओर बंदा ही बंदा, बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है ऑलमोस्ट। फाइनली अब हम इधर से जाने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इधर आके, एंड आज बहुत अच्छा लगा ऐसा नज़ारे के सामने आके। एंड ये है डैम, इधर का इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है शायद यहाँ से, एंड ऊपर तो जाने नहीं देता। बाकी ये रहा यहाँ का व्यू, एंड हम लोगों ने थुपा खाया, मोमो खाया, बहुत मस्त लगा, एंड बारिश आ रहा था उसकी वजह से यार उतना कुछ ज़्यादा नहीं दिखा। हम इधर से निकलने वाले हैं, हम लोग जाने के लिए सोच रहे हैं दलगाँव व्यू पॉइंट, लेकिन आप लोगों को तो वो वाला वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, सो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो ये आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ पर जाके देख लेना। अभी हम लोग इधर से निकलने वाले हैं, बाकी भैया इधर से रेडी हो चुका है पूरा, और मेरा हेलमेट लगाना है, और बाकी हैंड ग्लव्स तो अंदर से चला गया मेरा, तो कोई बात नहीं। एंड भाई भी इधर रेडी हो रहा है, तो बाइक का डोमिनर देख पा रहे हो, एंड बाइक का डोमिनर पे ही जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे 400 सीसी का बाइक है, तो 160 में काहे का चढ़ना भाई, 400 सीसी में चढ़ के जाएंगे, मस्त मज़ा आएगा। सो गाइस, आज का वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लास्ट विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो इसके बाद ही भूटान चालू हो जाता है, तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड रोड तो आप लोगों ने देखा क्या ही मस्त, क्या ही खतरनाक राइड, मज़ा से मतलब राइड करने के लिए बहुत मज़ा आता है, मंजिल मौत है भाई, सफ़र का मज़ा लो जो बोलता है ना, सफ़र का मज़ा लेते लेते हम आइए, यही है मंजिल। अभी हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा, तो अपना डोमिनर 400 एंड NS 160, तो आज हम लोग बस तीन बंदे राइड किए, एंड मीनल भाई लोगों के साथ मुलाकात हुआ, लेकिन वो लोग फिर से चले गए, वो लोग जाने वाले दलगाँव व्यू पॉइंट, तो शायद वहाँ पर जाके और मुलाकात होगा उन लोगों से। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कॉमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं मिलता आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।